अध्याय 9, रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना, केमिकल फॉर्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित संख्याओं के आपस में संयोग से बनते हैं। हम पानी, नमक, शक्कर, खाने का सोडा इत्यादि पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये सभी पदार्थ यौगिक हैं। हमने पहले भी सूत्र कैसे बनते हैं सीखा है। आइए हम यौगिक के सूत्रों के बारे में और विस्तार से समझें। सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र, फॉर्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। हमने विभिन्न सहसंयोजी यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया आदि में बनने वाले बंध के बारे में सीखा है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक कार्बन के दो दो इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन दो अलग अलग ऑक्सीजन परमाणुओं के दो दो इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है, जैसा कि चित्रानुसार दिखाया गया है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में एक और ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ना चाहें तो उसकी किस परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को साझा करने की संभावना होगी? पहली यह कि वह कार्बन परमाणु से साझा करें, दूसरी यह कि वह ऑक्सीजन परमाणु से साझा करें। ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर सकेगा, क्योंकि कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन दो ऑक्सीजन परमाणुओं से हो चुका है और वह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर चुका है, जैसा कि चित्रानुसार दिखाया गया है। यदि हम ऑक्सीजन परमाणु के साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन के सहभाजन पर विचार करें, जैसा कि चित्रानुसार दिखाया गया है, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि इससे अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 8 हो जाएगी, परंतु पहले ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी, जबकि उसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 ही हो सकती है। अतः यहाँ पर अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन नहीं हो सकता है, इसलिए CO3 यौगिक बनने की संभावना नहीं है। कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु ही मिलकर एक स्थायी यौगिक बनाएंगे, जिसका सूत्र CO2 होगा। इसी प्रकार अन्य यौगिकों के सूत्र भी लिखे जा सकते हैं। इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीक एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए।